में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खेल की खास खबर। मैं खुद आपको मनोचिकित्सक के पास ले जाऊंगा, शाहिद अफरीदी से गौतम गंभीर। पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी द्वारा अपनी किताब में पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर की आलोचना किए जाने पर गंभीर ने कहा कि अफरीदी एक हास्यप्रद शख्स है। गंभीर ने ट्वीट किया, मेडिकल टूरिज्म के लिए हम अब भी पाकिस्तानियों को वीजा दे रहे हैं। मैं खुद आपको एक मनोचिकित्सक के पास ले जाऊंगा। 17 वर्षीय रियान पराग बने आईपीएल में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज। राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग आईपीएल में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शनिवार को 50 रन बनाने वाले पराग ने 17 साल और 175 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। पहले यह रिकॉर्ड 18 साल व 169 दिन संयुक्त रूप से संजू सैमसन और पृथ्वी शॉ के नाम था। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल 12वें में दर्ज की 9वीं जीत। दिल्ली के फिरोज शाह कोटाले में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स ने अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल 12वें 9वीं जीत दर्ज की है। दिल्ली की टीम ने मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान टीम को 115 रन पर समेट दिया और 16 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। यह राजस्थान टीम की भी अंतिम ग्रुप मैच था। लड़की की दिलकश आवाज सुनने के लिए काफी खर्च किया था पर वह लड़का निकला अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि शादी से पहले वह एक लड़की से फोन पर बातें किया करते थे। बकौल अफरीदी उस समय मोबाइल पर बात करना काफी महंगा था और इसकी दिलकश आवाज को सुनने के लिए उन्होंने काफी पैसे खर्च किए। अफरीदी ने कहा, हमने मिलने का फैसला किया, घंटी बजी और सामने एक लड़का गुलाब लिए खड़ा था। जीत के लिए भूखा था इसलिए गेंद खा रहा था, बॉल टैंपिंग पर अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने अपनी किताब में 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बॉल टैंपरिंग वाइके को लेकर कहा है कि बल्लेबाजों की मदद के लिए उन्होंने गेंद बचाई थी। उन्होंने कहा, जीत का भूखा था क्योंकि कप्तान के तौर पर यह मेरा पहला दौर था। अफरीदी ने 2010 में कहा था कि वह सिर्फ गेंद सूंघने की कोशिश कर रहे थे। मांगडिंग से हुई इंग्लैंड के विकेटकीपर द्वारा रुककर की गई स्टैंपिंग की तुलना। आयरलैंड के खिलाफ शुक्रवार को वनडे में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फॉक्स द्वारा रुककर की गई स्टैंपिंग की तुलना मांगडिंग से की जा रही है। डेब्यू कर रहे फॉक्स ने दूर फेंकी गई गेंद को लपक कर बल्लेबाज द्वारा पैर उठाने का इंतजार किया, जिसके बाद उन्होंने गिल्लियां गिरा दी। एक विकेट पत्रकार ने इसे युवाओं के लिए बुरा उदाहरण बताया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।